दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये 1 किलो चना हमने रात को भिगो दिए थे और रात को भिगो के हमने इसमें 6 सीटी लगा दी हैं। अभी 6 सीटी लगा के इनको उबाल लिया है हमने, ठीक है। अब आइए देखें क्या क्या डालेंगे हम इसमें और तलेंगे इनको हम। ये प्याज है, ये हरा धनिया है, ये हरी मिर्ची है, ये आम कटा हुआ हरा कटा हुआ आम है और ये टमाटर है, ठीक है। आइए देखें कैसे बनाए हम। अभी हमारा तेल गर्म हो गया, नहीं सरसों का तेल हमने दे लिया है, ये गर्म हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया, ठीक है। फिर 1 चुटकी हम जीरा डालेंगे, यानी आधी चम्मच। अब इसमें हम प्याज भूनेंगे, थोड़ा सा तलेंगे क्योंकि इनको हम जलाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा इतना ही तलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा खाने में भी स्वाद लगेगा। और हरी मिर्ची डालेंगे हम, 2 हरी मिर्ची 3 काटी है हमने, और ये आम कटाई यानी हरा आम काट के हमने नन्ना नन्ना और ये डालेंगे, ठीक है। अब इतना ही हम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं भूनेंगे इनको। अब इसमें हम चने डालेंगे, ठीक है, उबले हुए चने इसमें हमने डाल दिए क्योंकि रात को हमने इनको भिगो दिया था। उबले हुए चना और 6 सीटी लगाते हैं इनको और हमने डाल दिया है। और 1 चुटकी लाल मिर्ची डालेंगे हम, और नमक स्वाद अनुसार, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। ये हमने नमक डाल दिया है इसे अच्छे से मिला लो। अभी हमने 5 मिनट तल लिया, 5 मिनट तक तल के डालेंगे और हम धनिया डालेंगे, अब हम धनिया डालेंगे, ठीक है। अब धनिया डाल रहे हैं, चने की चाट बन के तैयार है। ये इस तरह से अभी ये बन के तैयार है और ये बहुत पसंद आएगी आपको, बना के देखना, खा के देखना। और आपको अगर पसंद आए मेरी बनी चने की चाट तो चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आम और हरे धनिए की चटनी बना के। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें असटपुरिया चैनल को। थैंक यू।